हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए रावेत लोकेशन से एक नए और प्रीमियम प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले नए प्रोजेक्ट के अपडेट्स इसी तरीके से मिलते रहें। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है मुकाई चौक और ऑन द रावेत बीआरटीएस रोड से। स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ज़रूरत की सारी चीज़ें, ये सब आपको नज़दीक में ही मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको 2 और 3 BHK के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। 2 BHK में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, 776 एंड 794 स्क्वायर फिट, एंड 3 BHK में भी आपको दो वेरिएंट्स मिलने वाले हैं, 939 एंड 1003 स्क्वायर फिट का। यहाँ पर आपको 2 BHK में 1 और 2 बालकनी का ऑप्शन मिलेगा, एंड 3 BHK में आपको 2 और 3 बालकनी का ऑप्शन मिलेगा। प्राइसिंग के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सैंपल फ्लैट का टूर। तो अभी हम देख रहे हैं 2 BHK के सैंपल फ्लैट को। इसका कारपेट एरिया है 794 स्क्वायर फीट का। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफी बड़ा और ग्रैंड एंट्रेंस डोर दिया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर आपको डिजिटल लॉक के साथ में वीडियो डोर फोन भी इंस्टॉल करके दिया जाएगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 5x4.1 का, और इस लॉबी से हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है हमारे डाइनिंग एरिया और किचन से। आप चाहें तो कुछ इस तरफ अपना एक शू रैक का भी प्रोविजन कर सकते हैं, या फिर इस स्पेस को आप आर्टिफैक्ट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो इस तरफ आ जाता है हमारा ग्रैंड लिविंग कम डाइनिंग एरिया, और यहाँ पर हमको L शेप का लिविंग कम डाइनिंग देखने को मिल रहा है, जिससे हम दोनों ही स्पेसेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ लिविंग एरिया की बात करें तो उसका साइज है 15.2x11 का, और यहाँ पर अगर अपने हम सीटिंग के अरेंजमेंट को देखें तो यहाँ पर आप आराम से बड़ा सा L शेप या C शेप सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं, अराउंड 6 to 8 सीटर का। बीच में आप चाहें तो कुछ इस तरीके से एक बड़ी सी सेंटर टेबल भी लगा सकते हैं, प्लस सामने की वॉल पर आपको इनफ स्पेस मिल जाता है बड़े से LED यूनिट लगाने के लिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरफ आ जाता है हमारा सेपरेट डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 9.2x6.5 का, और यहाँ पर आप आराम से 4 to 6 सीटर डाइनिंग टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से लगी हुई हमें मिलती है अटैच बालकनी, आ जाइए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। सो इस तरफ आ जाती है हमारी बालकनी, इसका साइज है 11x4.7 का, और ये भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिल जाती है। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर फ्रेंच डोर्स दिए जा रहे हैं, जिससे आप इस स्पेस को और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, और यहाँ पर हमको एक विंडो भी दिया गया है, जिससे हमें प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा, प्लस सेफ्टी को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का मेटल फ्रेम का रेलिंग दी जा रही है, जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। तो इस तरफ आ जाता है हमारा किचन, जिसका साइज है 10.6x9.10 का, विच इंक्लूड्स योर यूटिलिटी एरिया, और यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको ग्रेनाइट काउंटर टॉप दिया जा रहा है। आप इसको चाहें तो L शेप में यहाँ तक एक्सटेंड करा सकते हैं। अभी अगर यहाँ पर अपने हम अरेंजमेंट्स को देखें तो इस तरफ आपको रेफ्रिजरेटर का प्रोविजन दिया गया है, जहाँ पर अपना एक बड़ा सा रेफ्रिजरेटर यूनिट लगा सकते हैं, प्लस इस तरफ हमारे किचन अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर पावर पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा गैस स्टोव, और यहाँ पर हमको चिमनी का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इस तरफ हमको जो SS सिंक दिया गया है, वहाँ पर हमें दो मूवेबल टैप्स मिलने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर भी आपको वाटर प्यूरीफायर का प्रोविजन करके दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जो विंडो दी गई है, इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है, साथ ही आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर बाहर ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो दो विंडोज़ हैं वो आमने सामने नहीं रहने वाली हैं, तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्राइवेसी मिलेगी। इस तरफ आ जाता है हमारा यूटिलिटी एरिया, जहाँ पर हमारे यूटिलिटी एरिया को ध्यान में रखकर एक टाइल ड्रॉप दिया गया है, साथ ही यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट दिए जाएंगे। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का स्पेस का वेस्टेज नहीं दिखाई देगा। हमारे डाइनिंग एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर हमको एक कॉमन वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में, और इससे लगा हुआ है हमारा कॉमन वॉशरूम। आ जाइए कॉमन वॉशरूम को भी पर हम देख लेते हैं। सो इस तरफ आ जाता है हमारा कॉमन वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉल माउंट वाटर क्लोजेट दिया जा रहा है, और इस तरफ आपको बेथिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पर मिलने वाले CP एंड सैनिटरी वेयर हमारे जगवार और सेरा के रहने वाले हैं,
प्लस यहाँ पर जो वॉल टाइल्स दिए गए हैं ये भी काफी प्रीमियम लुक वाले हैं 4x2 के, जो कि आपको लेंटल हाइट तक मिलेंगे। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं, और इस तरफ आपको जो विंडो दिया गया है इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। आ जाइए अपने होम किड्स बेडरूम को देखेंगे। सो इस तरफ आ जाता है हमारा किड्स बेडरूम, जिसका साइज है 10.6 बाय 10.6 का। डबल बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर इनफ स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। आप चाहें तो किड्स के हिसाब से यहाँ पर अपना एक स्टडी टेबल का भी प्रोविजन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो विंडो दिए गए हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलने वाला है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको एक वार्डरोब यूनिट का प्रोविजन करके दिखाया गया है, जहाँ पर अपना एक वार्डरोब यूनिट भी प्लान कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो दिस इज अवर मास्टर बेडरूम, जिसका साइज है 12x10.6 का। डबल बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कितना स्पेस मिलता है। सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन दिया जा रहा है, जहाँ पर अपना एक एलईडी यूनिट भी प्लान कर सकते हैं। इस तरफ आपको वार्डरोब यूनिट का प्रोविजन करके दिखाया गया है, जहाँ पर अपना एक बड़ा सा वार्डरोब यूनिट भी प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको अटैच्ड बालकनी मिल रही है, आ जाइए उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इस तरफ आ जाती है हमारी पर्सनल बालकनी, इसका साइज है 10.6 बाय 3.3 का, और ये भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलने वाली है, जिससे हमें कंप्लीट प्राइवेसी मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ्रेंच डोर्स दिए गए हैं, जिससे आप इस स्पेस को और भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। प्लस यहाँ पर भी आपको मेटेलिक फ्रेम्स की रेलिंग दी जा रही है, जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। फ्लोर पर मिलने वाली टाइल्स हमारी एंटी स्किड रहने वाली है। आ जाइए अपने हम अटैच्ड वॉशरूम को देखेंगे। तो इस तरफ आ जाता है हमारा अटैच्ड मास्टर वॉशरूम, और यहाँ पर आपको एक प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना एक स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम के जैसे ही। यहाँ पर भी आपको सेम पिक्चर्स एंड फिटिंग्स मिलने वाले हैं। वॉल पर मिलने वाले टाइल्स और फ्लोर टाइल्स हमारे डिफरेंट रहेंगे। अगर प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देखें तो यहाँ पर आपको 2 acre के लैंड पार्सल में 20 फ्लोर्स के 3 टावर्स मिलने वाले हैं, और इसका पोजीशन है जून 2025 का। यहाँ पर आपको सारी बेसिक एंड रिक्वायर्ड एमिनिटीज मिल जाती हैं एक्सेप्ट स्विमिंग पूल। अगर हम प्राइसिंग को देखें तो 2 BHK की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 64 lakh ऑनवर्ड्स, वहीं 3 BHK की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 81 lakh ऑनवर्ड्स। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है, तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।